जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना से लोगों को जुड़ने की अपील, कहा कि जन औषधि केंद्रों की वजह से 2,500 करोड़ रुपए की हुई है बचत। ओलावृष्टि, तेज हवाओं और बारिश से हुए फसलों के नुकसान का अनुमान लगाने और पीड़ित किसानों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर हो रहे हैं प्रयास। प्रदेश में विदेश से लौटे 5 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में किया गया भर्ती। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बेटियों को शिक्षित, समर्थ और सशक्त बनना चाहिए, साथ ही अन्यायपूर्ण घटनाओं का प्रतिकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि योजना की उपलब्धियों के प्रसार को और गति देने के लिए 7 मार्च को देश भर में औषधि दिवस मनाने की बात कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चयनित स्टोर के मालिकों और लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम ने कहा कि जन औषधि योजना को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों, लाखों परिवारों के साथ जुड़ने का दिन है जिनको इस योजना से बहुत राहत मिली है। हर भारतवासी के स्वास्थ्य के लिए हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP इसी की एक अहम कड़ी है। ये देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है। पीएम ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हैं। पीएम ने कहा कि जन औषधि केंद्रों की वजह से 2,500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब तक 6,000 से अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं। हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। पहले जो खर्चा होता था दवाई के लिए और अब जो खर्चा हो रहा है करीब करीब 2,250 करोड़ रुपए, इसकी बचत ये जन औषधि केंद्रों से जो दवाइयां ली उसके कारण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस से बचने की सलाह। सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है, ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी
एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है, इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस पर अफवाहों से भी बचना चाहिए। अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं, कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग चार नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, हम स्वयं डॉक्टर न बने। वाराणसी के कबीर चौरा स्थित पिपलानी कटरा के सरोजा पैलेस के विशाल हॉल में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग बड़ी उत्साह के साथ इकट्ठा हुए तथा प्रधानमंत्री के द्वारा सीधे हो रहे जनसंवाद पर बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठता था। वाराणसी की अपर्णा कपूरिया से जिस वक्त प्रधानमंत्री ने वार्ता शुरू की, उस वक्त उन्होंने वाराणसी के लोगों को सबसे पहले होली की शुभकामनाएं दी। उसके बाद उन्होंने अपर्णा कपूरिया से वार्ता करते हुए जन औषधि परियोजना के बारे में जानकारी हासिल की। अपर्णा कपूरिया ने बताया कि मैं यहां पर 8 जन औषधि केंद्रों का संचालन कर रही हूं तथा लगभग 25 लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया है। साथ ही साथ यहां पर लोगों को सस्ती दवाइयां मिलने के कारण ग्राहकों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपर्णा कपूरिया को बधाई दी तथा काशी के लोगों को होली की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि आप सभी हमारे संसदीय क्षेत्र के हो, इसी के साथ ही वाराणसी के लोगों ने होली की शुभकामना के साथ ही हर हर महादेव के गगनभेदी नारों का उद्घोष करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गुवाहाटी, पुणे, पुलवामा आदि जगहों के लोगों से बात की। कहीं पर लोगों ने जन औषधि की तारीफ की तथा देहरादून की महिला ने प्रधानमंत्री को एक भगवान के रूप में देखा और भावुक होकर रोने लगी, जिससे हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी भावुक होकर उस महिला के संवाद को बड़े ध्यान से सुनने लगे। प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर इस तरह के संवाद होने से लोग बड़े खुश थे। अपर्णा कपूरिया ने बताया कि ये मेरे लिए एक बहुत ही रोचक अनुभव है और मैं प्रधानमंत्री से वार्ता करके बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण है तथा इस मौके पर रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा से वार्ता करके उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा दवाओं की व्यवस्था हम जन औषधि केंद्रों पर कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंच रहा है तथा गरीब लोगों को इस परियोजना से इलाज में काफी फायदा हो रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों में एक हर्ष और प्रसन्नता का माहौल देखा गया कि प्रधानमंत्री की इस प्रकार की सोच और एक आम आदमी से जुड़कर उसके दुख दर्द को महसूस करके प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसका फायदा सीधे तौर पर एक आम आदमी को मिल रहा है। लोग इसकी सराहना करते हुए नजर आए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे संग और जन औषधि मित्र महिलाएं, पुरुष सब लोग जुटे ताकि हम इस मुहिम को और आगे ले जाएं और आगे बढ़ाएं, ताकि जन जन तक इन जो दवाइयों उनका लाभ, कम दाम की दवाई उनका लाभ लोगों तक। हाँ, मोदी जी ऐसे मुखिया जिसे कहते हैं लीडर, जो हमारे घर का मान लीजिए एक बड़े सदस्य होते हैं, सब लोग का ख्याल रखते हैं, चाहे वो बड़ा है, छोटा है या बुजुर्ग है, उस टाइप से उनका जो लीडरशिप है वो उस टाइप की है। तो सारे मतलब कि परिवार के हर तबके, हर लोगों का ख्याल रखना और उनको साथ में मोटिवेट करना, जो उनका सबसे बड़ा एंगल होता है वो मोटिवेट करने का है। आज मैं जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाई हूँ, जो मैं काम कर पा रही हूँ, वो शायद इसकी वजह मोदी जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विभिन्न जनपदों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध करवा दी जाए। उन्होंने राज्य आपदा मोचक निधि के दिशा निर्देशों के अनुरूप पीड़ितों को अनुमन्य वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने अपने जिले में फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करते हुए शासन को आख्या उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यूपी के जनपद बाराबंकी में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक और फसल को भारी नुकसान हो रहा है तो वहीं बारिश होने के बाद मौसम में ठंडक पड़ गई है। पिछले तीन दिनों से बदले मौसम के मिजाज से बूंदाबांदी ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से सरसों, आलू और गेहूं की फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। दो दिन पहले आई तेज आंधी ने खेतों में खड़ी सरसों और गेहूं की फसल को बिछा दिया है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर चिंता के भाव नजर आने लगे हैं। वहीं बारिश होने के बाद आलू की खुदाई का कार्य भी थम गया है। बारिश से फसल बर्बाद होने के बाद किसान अब सरकार से मिलने वाले मुआवजे के इंतजार में हैं। जनपद बाराबंकी में अन्य जनपदों के भांति कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई और वर्षा भी हुई है, जिससे ये संभावित है कि कुछ हद तक जो है खेतों में जो हमारी फसलें लगी हुई हैं उनका नुकसान है। सभी SDMs को और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं तत्काल इसका असेसमेंट कर लें और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, उन सभी जगहों को, उन सभी किसानों को, उन सभी खेतों को तत्काल चिन्हित कर लें और जो भी अनुमान्य सहायता होती है उसको तत्काल उनको उपलब्ध कराएं। दो ढाई बीघा आलू बोया था, वो सब भर के नुकसान हो गया और गेहूं सब एकदम से गिर गया। जब ये बेमौसम बरसात हुई इसे फसल बहुत बढ़िया थी, अब हम लोग का कह रहे हैं। देखिए, कहे तो हैं कुछ लोग कि जो है इसका मुआवजा मिलेगा, कम मिलता है, क्या होता है। बारिश के कारण हमारी फसल ये बेकार हो रही है और ये बिन मौसम जो बारिश हो रही है इससे हमें बहुत ही नुकसान हो रहा है और हमारे आलू वगैरह जो हैं ये भी नुकसान हो रहा है और गेहूँ में जो है ये भी नुकसान हो रहा है। सरसों सारी झड़ झड़ के गिर रही है, तुराई वगैरह जो लगी थी ये भी नुकसान हो गया है। गेहूँ में तो काफ़ी और आलू में काफ़ी नुकसान हो रहा है और देखो सरकार मुआवजा देने को कह रही है, अब देखो कितना गेहूँ हमारा सारा गिर गया है बरसात की जरिए से, तूफान की जरिए से, और उसमें जो है अब गवर्नमेंट मुआवजा देने को कहती है लेकिन कब दे, कितनी देर तक, कितनी दिनों बाद दे, ये मुझको पता नहीं भैया। लेकिन ये है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ मुआवजा देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। फिर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यस बैंक के खाता धारकों को भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा सुरक्षित है। नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक पर रोक लगाते हुए RBI ने उसके निदेशक मंडल को भंग कर प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग करने के RBI के फैसले के बाद सरकार ने बैंक के खाता धारकों को भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो इस मामले में रिजर्व बैंक के साथ लगातार संपर्क में है और मुद्दों का तेजी से समाधान करने के लिए काम किया जा रहा है। Clearly identify the role played by various individuals in the problem, in creating the problem and not so comprehensively addressing the problem. And I've also asked the RBI to act so that the due process of law takes it close with a sense of urgency. वित्त मंत्री ने कहा कि RBI का यह कदम जमाकर्ताओं, बैंक और अर्थव्यवस्था के हित में उठाया गया है। Bank was monitored very closely from 2017. The MD and CEO have been forced to leave as of September 18. RBI has appointed one of its former deputy governors onto the board of Yes Bank as a director. Then several enforcement actions have been taken up. One of the chairman himself had to come out because of the action by CBI. Regulatory violations, the guidelines have been violated, have been picked up and fines have been levied. The bank was instructed to raise capital in a time-bound manner for which the RBI gave 3 tranches of time. Each time a genuine attempt was made to bring in more capital, but each time it failed. रिजर्व बैंक ने गुरुवार को सरकार से मशवरा करने के बाद यस बैंक पर रोक लगाई और उसके निदेशक मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। वहीं बैंक के ग्राहकों पर भी 50,000 रुपए मासिक तक निकासी करने की रोक लगाई है। यस बैंक किसी भी तरह का नया ऋण वितरण या निवेश भी नहीं कर सकेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि NDA सरकार के सत्ता में आने से पहले ही यस बैंक तमाम उन कंपनियों को लोन दे दिया था जिनकी हालत बाद में खराब होती गई। The exposure of Yes Bank to some of the very stressed corporates has been since before 2014. Anil Ambani Group, SL Group,
DHFL, IL&FS, Vodafone are some of those very stressed corporate to whom Yes Bank has been exposed. अगले एक महीने के रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को यस बैंक के प्रशासक का पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं फैसले को सही ठहराते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक से जुड़े मुद्दों का समाधान बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि बैंकिंग क्षेत्र पूरी तरह से सुचारू और सुरक्षित बना रहेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी यस बैंक के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। It will be done very swiftly, it will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see you will see very swift action from the Reserve Bank of India. Ek move kiya gaya hai jisse ki depositors ke jo deposits hain wo safe rahe, aur Reserve Bank ne saaf saaf kaha hai iske bare mein ki depositors ke deposit safe rahenge. इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक SBI के निदेशक मंडल ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक में निवेश के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। यस बैंक पर रिजर्व बैंक के फैसले का असर शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार पर दिखा और मार्केट में जोरदार गिरावट देखी गई। एक समय बाजार 1459 अंक नीचे गिर गया था और अंत में बाजार 894 अंक गिरकर बंद हुआ। यस बैंक का शेयर 25% गिरकर खुला और सुबह के कारोबार में यह 50% तक नीचे चला गया। शेयर बाजार के बंद होने तक यस बैंक का शेयर 56% गिरकर बंद हुआ। डीडी न्यूज। देश भर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच देश में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और बैठकों का दौर जारी है। स्थिति से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री, मंत्रियों का समूह और तमाम अन्य स्तरों पर बैठकों का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के अलग अलग राज्यों के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सभी से एहतियाती कदम उठाने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार ने इसे निपटने की तैयारी पूरी कर रखी है। एक एक स्टेट कितना जागरूक है और कितने गहराई से भारत सरकार एक एक विषय पर एडवाइजरीज दे रही है, केस टू केस लोगों से बात कर रही है, एक एक कॉन्टैक्ट्स के बारे में बात कर रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स के बारे में बात कर रही है, सारा जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है उसके बारे में बात कर रही है, एयरपोर्ट्स पे क्या हो रहा है, पोर्ट्स पर क्या हो रहा है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए क्या करना है, होटल्स को कैसे सैनिटाइज करना है, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। इस बीच देश में एक और व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अब इसकी संख्या 31 हो गई है। इस व्यक्ति ने हाल ही में थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा की थी। उसे अस्पताल में अलग रखा गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुबह से अब तक कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश में जिन मामलों की पुष्टि हुई है उनकी संख्या 31 पर बनी हुई है। कोरोना मामले में 29,607 लोग चिकित्सकों की निगरानी में हैं। विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस की जांच 9 और हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। अब 30 हवाई अड्डों पर कोरोना संक्रमण की जांच की जाएगी। कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में शामिल ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए वहां के अधिकारियों के साथ भारत सरकार वार्ता कर रही है। वायरस के प्रसार के मद्देनजर यात्रियों की हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग करने के लिए पूरी तैयारी है। वी विल नीड टू कंटिन्यू दिस even if the general impression is that there is a new cases are not coming up, but we will maintain these measures because the spread of the virus from its origin or its source, which was the People's Republic of China, to other places has taken place because of the large number of people's movement, tourists, business contacts, etc. So these issues, these arrangements will remain in place. कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और परामर्श भी जारी किए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के अनुसार किसी भी देश से आने वाले विदेशी यात्री को चिकित्सा जांच से गुजरना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी है जिसमें लोग समूह में एकत्र हों। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि समूह के एकत्रीकरण पर राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा सकती हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने से बचें। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सरकार ने कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने से छूट दी है। ये छूट 31 मार्च तक रहेगी। कोरोना वायरस के कारण पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर रोजाना होने वाला रिट्रीट कार्यक्रम लोगों की मौजूदगी के बगैर आयोजित होगा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा अवार्ड के आयोजकों ने कोरोना वायरस के संक्रमण की चिंताओं के मद्देनजर 27 से 29 मार्च तक मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले समारोह को स्थगित करने की घोषणा की है। दिल्ली में आगामी निशानेबाजी विश्व कप को शुक्रवार को मई तक स्थगित कर दिया गया है। राज्यों की स्तर पर बात करें तो कोरोना के चलते तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। तमाम राज्य सरकारें बैठ के कर हालात का जायजा ले रही हैं तो लोगों की जांच कराकर हालात को संभाल रही हैं। कोविड 19 के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की आशंका के बीच रिजर्व बैंक ने भरोसा दिया है कि वो इस महामारी से उपजी चुनौतियों से अर्थव्यवस्था को संरक्षित रखने का हर उपाय करेगा। The IMF has given a projection that the global economy will be pulled down by 0.1% and Chinese economy by 0.4%. India will be impacted to some extent. But the point is India is not that much integrated to the global value chain as some of the other countries. What is critical is how we respond to those challenges. The Reserve Bank stands ready to respond in whatever way is required to deal with the challenges emerging out of coronavirus. कुल मिलाकर केंद्र सरकार लगातार मामले पर जरूरी कदम उठा रही है और ये भी साफ कर रही है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस से जौनपुर का भारतीय डाक विभाग भी सहम गया है। इसके डर से जहां चीन से आने वाले पार्सल, चिट्ठी आदि को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया है, वहीं भारत से चीन जाने वाले सभी प्रकार के पार्सल, चिट्ठी की बुकिंग करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अगर आपको कोई पार्सल, चिट्ठी चीन भेजनी है तो आप लोगों को कोरोना वायरस के संकट के बादल छटने का इंतजार करना पड़ेगा। मुख्य डाकघर के अधीक्षक रामनिवास कुमार ने बताया कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के पार्सल, चिट्ठी आदि सामानों की बुकिंग करने पर रोक लगा दी गई है तथा चीन से आने वाले सभी पार्सल को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया है। हमारे डाक निदेशालय से आदेश प्राप्त हुआ है कि चीन के लिए किसी भी प्रकार की आर्टिकल, पार्सल की बुकिंग नहीं की जाए, क्योंकि जो एयरलाइन सेवाएं हम लोगों को देती थी चीन के लिए, उन्होंने अपनी सेवाएं बंद कर दी है और जो चीन की आर्टिकल पहले से बुकिंग है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डम। बेटियां शिक्षित, समर्थ और सशक्त बने, महिलाओं के प्रति होने वाली अन्यायपूर्ण घटनाओं का खुलकर प्रतिकार करें और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष करना सीखें। शिक्षा का उद्देश्य मात्र जानकारी प्राप्त करना ही नहीं बल्कि संस्कारवान बनना भी है। जिस समाज में बेटियों के साथ अन्याय और भेदभाव होता है उस समाज की उन्नति नहीं हो सकती। ये विचार नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संपत्ति में पर्याप्त भागीदारी मिलनी चाहिए। जब उनके पास धन संपत्ति होगी तो वो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने संपत्ति की खरीद पर महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी मुक्त कर दी थी। छात्राओं के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नियमित जांच होनी चाहिए जिससे कि उनका हीमोग्लोबिन मानक के अनुरूप बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी कुलपतियों को निर्देशित किया गया है कि वे कम से कम 5 गांव तथा महाविद्यालयों के प्राचार्य कम से कम 1 गांव गोद लें और जरूरतमंदों की मदद करें। क्योंकि आपको समाज के जो कुरीवाद वगैरह उसके सामने लड़ना है, इसलिए ताकतवर बनने की आवश्यकता है और वो आज सभी स्थानों पर उच्च स्थान से लेकर नीचे तक घूंघट और घर की देहरी से निकलने के लिए मोहताज महिलाएं आज अपनी मेहनत और लगन से लगभग हर क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं।
प्रदेश के अति पिछड़े जनपद सोनभद्र के जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर दुद्धी क्षेत्र के पहाड़ी अंचल में स्थित एक परिषदीय विद्यालय की अध्यापिका वर्षा रानी शिक्षा नवाचार के क्षेत्र में रोल मॉडल बनी हुई हैं। लगभग 90% अनुसूचित जाति की आबादी वाले कलकली बहरा प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर तैनात अध्यापिका वर्षा रानी ने अपने वेतन के पैसे से न सिर्फ विद्यालय के भवन और शौचालय का कायाकल्प किया बल्कि बच्चों के लिए बेंच टेबल से लेकर टाई बेल्ट जूते मोजे और खेल सामग्री की भी व्यवस्था की। शासन प्रशासन और सामाजिक संगठनों से पिछले 5 वर्षों से लगातार अपने कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र पाने वाली अध्यापिका वर्षा रानी नौकरी को एक सेवा और समर्पण के रूप में देखती हैं। सेना का जवान हमारी सुरक्षा के लिए इस हद तक कार्य कर सकता है तो हमारा दायित्व तो क्या बनता है। तो सर यहीं से मुझे एक मोरल मोटिवेशन मिला। सर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो बच्चे बहुत ही कम नामांकित थे और एकदम विद्यालय की स्थिति बिल्कुल जर्जर थी। विद्यालय को सबल करने के लिए मैंने विद्यालय का धीरे धीरे का रिनोवेशन कराया। बच्चों के बीच में उनके जूते मोजे टाई आई कार्ड और स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था करी। इन कार्यों के लिए हमने अपनी सैलरी से एक दो महीने का सैलरी लगाया और उसके लिए हमने कभी इसको सोचा नहीं कि क्या लगाया, बस ठीक है उनके बच्चों के बदलाव के लिए हमने जो लगाया उस कार्य से हम संतुष्ट हैं और कोशिश रहेगी कि ये समर्पण आगे भी चलता रहे। ये विद्यालय कलकली बहरा वहाँ की अध्यापिका वर्षा रानी निश्चित तौर पर उन्होंने इस विद्यालय के विकास के लिए सरकारी संसाधनों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत आर्थिक संसाधनों का भी उपयोग करके उसके विकास में महती भूमिका निभाई है और निश्चित तौर पर यह काबिल तारीफ है। शासन की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी इस कार्य हेतु उनको सम्मानित भी किया गया है। मैडम तो बहुत काम यहाँ आगे बढ़ा दिए। पहले तो स्वेटर नहीं मिल रहा था, स्वेटर नहीं मिल रहा था तो अपने वेतन से अपने घर का कर कमाई से जो कर कम लोग से लाते होंगे बाकी सब बच्चे लोग के स्वेटर भी दिए हैं। हम लोग के पास पैसा नहीं था तो हम लोग नहीं प्राइवेट में पढ़ाते थे, यहीं पढ़ाते थे तो टाई बेल्ट का भी व्यवस्था मैडम जी किए। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना से लोगों को जुड़ने की अपील, कहा कि जन औषधि केंद्रों की वजह से 2,500 करोड़ रुपए की हुई है बचत। ओलावृष्टि, तेज हवाओं और बारिश से फसलों के हुए नुकसान का अनुमान लगाने और पीड़ित किसानों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर हो रहे हैं प्रयास। प्रदेश में विदेश से लौटे 5 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में किया गया भर्ती। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बेटियों को शिक्षित, समर्थ और सशक्त बनना चाहिए, साथ ही अन्यायपूर्ण घटनाओं का प्रतिकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।